हेलो हाबू मीट हाबू हाबू एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार मेरे बाल सेटल नहीं हो रहे, थोड़े से मैंने चेंज की अपनी हेयर स्टाइल। यार प्रांजल हम लोग जा रहे हैं क्लास, 11 बजे हम लोगों की क्लास है। और भाई साहब जिस लेवल की गर्मी है एकदम से हुई है ना, हद लेवल है, हद एकदम। तो अभी चलते हैं क्लास में फटाफट से, उसके बाद आप लोग समझते हैं। और अभी मेरी क्लासेस के बीच में चल रहे हैं, पता नहीं क्या, खुद ही देख लो क्या चल रहा है। वो थोड़ा एक्टिंग करता है। Come, sir. You're both towards left. Left. Come. और उसको जो चॉकलेट मिली थी वो हमने छीन ली। जिम वाले भैया ये कर लो, जिम करता ये, जा 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 ना जा। मेरे से 10 नहीं हो गए। ये चल रहा है हमारे लेक्चर्स में, देखो। और अभी मैं आई थी अपनी रील बनवाने, क्योंकि इसकी क्लास जल्दी खत्म हो गई थी। ये इसी हॉस्टल में रहती है, ये गंदा सा, इसी में मैं रहती थी। ये भी गंदा, क्या कैसे कैसे जगह रहती हूँ ब्रो, गंदा देखा हमारा। तुझे पता है बहुत पैसे दे रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा, बाहर भी देती हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दे रही हूँ मैं। और अभी रील बनवाई है मेरी, अभी मैं निकलूंगी सीधे रूम पे। ये तो पढ़ते ही नहीं, इनकी क्लास होती नहीं है, मेरी तो होती है भाई, बहुत स्टडी करती हूं। 9 बजे से लगा रही हूँ मैं, 11 से लगा रही हूँ मैं भी। हाँ 11, वेरी लेट ब्रो, वेरी लेट। चल ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। खाया ना तुमने कुछ? अब तक तो भूख भूख कर देती। चल फिर जा 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 जा, गिर जाएगी। चल ठीक है, बाय 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 बाय। हाय एवरीबॉडी, सो मैं आ गई हूँ अभी रूम पे। एंड कपड़े चेंज करने से पहले मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी कि हमारी बेला कहाँ गई, हमने न्यू कैट क्यों ली है। बहुत लोगों को नहीं पता कि हमने न्यू कैट ली है, बट मैं बता देती हूँ। हमारी जो फर्स्ट पेट था हमारा बेला, उसकी डेथ हो गई है। द रीज़न इज़ कि हमारे घर, हम सोसाइटी में रहते हैं मम्मी पापा, तो बेसिकली 10th फ्लोर, तो वो उधर से एक्सीडेंटली वहाँ से उसने जंप कर दिया। आई डोंट नो क्या था, आई गेस बैल्कनी में उसने कबूतर वगैरह देख लिया होगा और वो एकदम से भागी है। बट ऐसा उसने कभी किया नहीं, तो ये बहुत एकदम सदमे वाली बात थी। तब मेरे को पता चला महाशिवरात्रि पे, तब मम्मी पापा यहाँ पे आए थे, तो वो इसीलिए आए थे। तो क्वेश्चन भी किए थे एक दो लोगों ने कि मम्मी पापा यहाँ आए, आप लोग भी यहाँ आए तो बेला का क्या। बट उस टाइम पे वो इसीलिए आए थे, काफ़ी ज़्यादा एक अलग फेज चल रहा था हमारी लाइफ का, इसलिए मैं तभी मैंने एकदम से ब्रेक ले लिया था यूट्यूब से। बिकॉज मैं मेरे को सहन होती ही नहीं है ऐसी चीज़ें, मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को सहन करने के लिए। तो बस वही चीज़ें चल रही थी। एंड हमने ऐसा नहीं कि उसका ध्यान नहीं रखा, मम्मी पापा ने, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। एक टाइम पे ऐसा भी होता है ना, वो यहाँ पे थी तो हम पूरे दिन क्लास में होते, तो वो पूरे टाइम अकेले रहती, तो थोड़ा दिल ऐसा करता था कि नहीं यार इसको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसीलिए उसको घर पे छोड़ के आए थे हम लोग, कि मम्मी पापा तो पूरा अटेंशन देते हैं, बेला क्या कर रही है, बेला सो गई, बेला खा रही है, बेला ये कर रही है, बेला की ट्रीट लानी है, चिकन लाना है, ये करना है, वो करना है, पूरा टाइम उनका बेला के आसपास निकल जाता था। और तब मुझे पता लगा, मैं क्लास से सीधे आई थी रूम पे, जैसे मैं अभी आके बैठी हूँ, तो मेरे पास मम्मी का कॉल आया एंड वो रो के बता रही है सारी चीज़ें। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मेरे को पता नहीं कैसे रिएक्ट करना है, मैंने जो चिल्लाया उन पे बहुत बुरे तरीके से, वो मेरी गलती थी। बट यार मेरे को समझ में नहीं, एकदम से ब्लास्ट हो गया दिमाग में कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैं उससे मिल के आई हूँ यार, ऐसे मतलब नहीं, मेरे को मतलब रिएक्शन देना नहीं आता।
कोई भी ऐसी भी चीज हो जाती है पहले गुस्सा निकलता है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है मेरे से, कुछ कुछ लोगों ने ही देखा है ये गुस्सा, लेकिन मैं काफ़ी कंट्रोल करती हूँ उस पर। बट ठीक है यार, तब सहन नहीं हुआ इसीलिए मैंने यूट्यूब से एकदम ब्रेक ले लिया था। आपने देखा मैंने बीच में कंटिन्यू वीडियो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, एकदम से मैं एक्टिव हो गई थी, खेलती खेलती रहती थी ऐसे ही पूरे दिन, व्लॉग बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बट फिर एकदम से ना एक ऐसा फेज सा आ गया लाइफ में कि हमारे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ, होता है ना कभी कभी, हो जाता है कि ये भी हमारे साथ ही हो रहा है, ये भी हमारे साथ ही हो रहा है, तो वो वाला फेज चल रहा था। तो इसलिए मैंने छोटा सा ब्रेक लिया था खुद के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो अभी एक क्लिप ऐड कर रही हूँ मैं, खैर बैलक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो अलग ही लेवल का बच्चा था हमारा। बट अभी हमने एक न्यू कैट ली है और अभी एक ऑफिशियल नाम नहीं रखा, बट हम उसको हाबू बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल हैं उसके, बहुत कोजी सी है वो, मतलब बहुत एकदम वो बोलते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, इसलिए उसको हाबू बोलते हैं हम लोग। तो उसका वेलकम किया था मैंने, तो अभी आप वो क्लिप देख लो पहले। देख ली मैंने, वेलकम किया था हमारे हाबू का, और दूसरी कैट मेरे भाई का दोस्त लेके आया था। तो अभी हम बीच में एक बार फिर से डर गए थे क्योंकि ये दोनों बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो दूसरी जिस कैट का मैंने अभी वेलकम किया वीडियो में रिसेंटली, तो उसकी डेथ हो गई है। दैट वॉज अ सैड पार्ट, बिकॉज एकदम लगता है ना यार मैंने ही वेलकम किया और मैं आते ही मिली भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ थी उन लोगों से, तो बहुत बुरा लगता है ऐसे सुन के। लाइक हमें भी पता हमारा फर्स्ट पेट था, तो आई गेस उसका भी फर्स्ट पेट ही था, तो एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है, तो उसको हम कैसे भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो किस लेवल का दुख होता है ज़िंदगी में। बट ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, जो होना होता है वो होके रहेगा। तो सेम चीज़ हमारे हाबू को भी, वही इन्फेक्शन, वही बीमार हो गया था वो। बट थोड़ा सा साहिल को आइडिया, साहिल मेरा भाई, उसको थोड़ा आइडिया क्योंकि वो पहले भी बेला को डॉक्टर के पास ले जाता था, उसको कैसे खिलाना है पिलाना है, तो उसको पूरा अच्छे से पता था, तो उसने सही टाइम पे संभाल लिया उसको। और अभी आबू बिल्कुल ठीक है, इतनी शैतानी करता है, नाखूने मारता रहता है इधर उधर बहुत भयंकर तरीके से, अभी वो एक्टिव है, अच्छे से खा पी रहा है। और मैंने अब तक इसलिए उसको एक भी व्लॉग में नहीं दिखाया, अभी रिसेंटली ही हमने उसको लिया है, कुछ 15 डेज हुए होंगे मैक्स टू मैक्स आई गेस, तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक नज़र का भी सिस्टम हो जाता है यार। अभी मैंने उसकी नज़र उतारी थी तो एकदम ठीक हो गया था वो, तो नज़र वगैरह भी लगती है, मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमें दिखाना है हमारा प्यार उस चीज़ के लिए स्टोरी लगा के ऐसे सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे मैं कभी कभी इंस्टा पे स्टोरी लगा देती हूँ, तो मुझे बाद में लगता है यार नज़र तो नहीं लग जाएगी, बीमार तो नहीं हो जाएगा, इसको कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो अब मैं आपको इस वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, और आगे तब तक भी हमारे साथ में रहेगा, तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर इसको खेलते हुए घूमते हुए। अभी मैं उससे मिलके ही आई हूँ नीचे, मैं ऊपर आती हूँ ना बीच में रुक जाती हूँ क्योंकि वो साहिल का रूम थोड़ा बड़ा है ना, स्पेसियस है, तो उसका लेटर खाना वगैरह वहीं पर रखा होता है, तो वो नीचे ही रहता है पूरे दिन क्योंकि साहिल जल्दी भी आता है और लेट भी जाता है वो, तो ऐसे तो मेरे पास ही खेलता रहता है ऊपर भी, वरना मैं नीचे चली जाती हूँ खेलने के लिए उसके साथ में। बहुत ज़्यादा एक्साइट, मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो कुछ दिन में तभी मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं उसको घर पे छोड़ के आऊँगी, तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट फेज हो जाएगा क्योंकि अभी हमें एक वो मिल रहा है, जरिया मिल रहा है कि भाग के जल्दी से जाना है, हमें उसके साथ खेलना है, ऐसा कि कोई वेट कर रहा है रूम पे। बट कोई नहीं, आई गेस मम्मी पापा को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी क्योंकि वो लोग बेला से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, हम तो फिर भी थोड़ा कम लगा सकते हैं उनसे क्योंकि वो पूरे टाइम उसके साथ थे और उन्होंने वो चीज़ देखी है कि वो जंप करी है नीचे गिरी है, तो वो एक कम्प्लीटली अलग ही लेवल की चीज़ है यहाँ पर। तो हम चलो छोड़ो उस चीज़ की बात नहीं करते हैं, मेरा मूड बिल्कुल 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 अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा है।
तो अभी हम लोग व्लॉग में दिखाया भी करेंगे हाबू को हमारे, बहुत अच्छा अच्छा है, वो पूरे दिन खेलता रहता है, थोड़ा आलसी था स्टार्टिंग में बट कल परसों से इतना एक्टिव हो गया ना, बहुत ज़्यादा बेला की तरह है, लेकिन हम कंपेयर भी बहुत करते हैं यार, सबसे ज़्यादा तो मैं करती हूँ, अच्छा ये तो बेला की तरह कर रहा है, अच्छा ये तो बेला की तरह कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, बेला तो इतनी देर में ये कर देती वो कर देती, बट फीमेल थोड़ी एग्रेसिव होती है ना, अब की वाला वाला मेल है, तो देखते हैं आप प्लीज़ कनेक्टेड रहना, उसके भी अपडेट्स देती रहूँगी मैं। मैंने सोचा था स्टार्टिंग में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी ऐसे ही कि क्या क्या चल रहा है लाइफ में, बट ऐसे ना दिल नहीं करता है बार बार उस चीज़ के लिए बात करने का, क्योंकि मेरा मूड सही में बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोना धोना चल जाता है मेरा, लेकिन ठीक है, क्योंकि यार जिससे आप कनेक्ट हो जाते हो ना एक बार, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है तो उस चीज़ को भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही बेला के साथ भी हुआ था थोड़ा, लेकिन ठीक है, लाइफ है, नहीं रोक सकते किसी को। तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी, इस वीडियो को एडिट भी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग कर पाऊँ, तो मैंने सोचा थोड़े अपडेट्स दे देती हूँ कि बीच में मैंने गैप क्यों लिया, पूरा रूटीन बिगड़ गया, बहुत वो मन करके मैंने सोचा था कि अब तो डेली ब्लॉगिंग चलेगी भाई, कोई नहीं रोक सकता, वैसे तो मुझे कोई नहीं रोकता इस चीज़ के लिए, बट स्टिल कि मैं खुद भी नहीं रोकूंगी खुद को ब्लॉग बनाने से, ऐसे ही बनाने लग रही थी अच्छे से, बट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है कि हमें खुद को भी टाइम देना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ को भी टाइम देना चाहिए। तो अभी मैं कपड़े चेंज करके थोड़ा रेस्ट करूंगी, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और इधर बन रही है रोटी, रोटी और इधर सब्जी बन के रेडी हो गई है, घिया की सब्जी बनाई है मैंने। बनाते बनाते भूख और एक्सट्रीम लेवल हो जाती है मेरी, तो हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है किचन में, उसको इग्नोर कर देना, जैसे कि आप कमेंट और लाइक करना इग्नोर करते हो, जस्ट लाइक दैट। ये है हमारा हाबू, बेटू सो रहा है, तू सो जा, कुछ नहीं कह रहे हम तुझे, सो जा। मेरा खाना रेडी, घी का रायता, घी की सब्जी सूखी और मेरी रोटी, घी लगा रखा है इसके ऊपर, अभी कुछ YouTube पे भी देखूंगी ताकि खाना अंदर चला जाए उसको देखते देखते। और ये देखो, ए ए भैया, ए हाबू, कोई मतलब ही नहीं है, ये देखो ऐसे दिखते हैं ये सारे टाइम आईपैड पे चूहे, गुस्सा आ रहा है इसको, ये सोच रहे चूहे निकल के जा खा रहे हैं। अभी हम जा रहे नीचे, इसको नीचे छोड़ने। ऐसे बस करते इधर देख इधर, फोटो बाबू फोटो, मैं चली गई थी नीचे, हम जहाँ पे रहते हैं उनके ओनर आ रखे थे, तो हम लोग आर्यन वगैरह के लिए जो रूम देख रहे थे, तो हम साइड वाला रूम देखने के लिए गए थे उसके लिए, तो अभी जस्ट आए हैं ऊपर, और ये साहिल रहा खाना खा लिया भाई ये, लेकिन कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं करता ये, क्या कर सकते हैं, नहीं करता तो नहीं करता भाई, हमारा तो खैर धर्म बनता है इसको बना के खिलाने का। अरे शर्म कर ले, तो कह दे कि भी कहेगा मौसम बन रहा है, कहेगा भाई का मौसम बन रहा है भाई, खाने के लिए दो शब्द, लाइट ऑन किया अगर ग्लो नहीं आता ऐसे कैमरे में, बहुत ग्लो आ रहा, तू बात कर ठीक देख कर, हेलो कोई बोल ही नहीं रहा किसी
मैं कह रही हेलो भाई साहब, आपको तमन्ना यादव जी का खाना कैसा लगता है? ठीक है। क्या कहा? आवाज ना आई मन्ने। मन्ने सुना फिर। तेरी पसंद की सब्जी बनाई थी आज, घिया। प्याज तो दी है, घिया दी ही नहीं। ये घिया ही तो पड़ी है यार, शर्म कर ले साहिब। यार देखना, मतलब इतनी घिया पड़ी है और ये कह रहा है कि इसमें घिया ही नहीं है, प्याज है। ज्यादा छोटी कर दी। प्याज 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 है ना, पुलट के देख तो। प्याज प्याज सो मच प्याज खान में स्वाद से मैं या पूछ रही है। इसमें मसाला बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है गाइस, बहुत हो गई है तारीफ, मुझे नहीं सुननी। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। वापस से कंटिन्यू व्लॉग स्टार्ट होंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।